हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने इन्वर्टर को बाहर से कैसे क्लीन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्वर्टर में कुछ धूल और डस्ट लग गई है और कुछ मंथ पहले घर पे पेंट चला था तो पेंट के भी इसमें स्टेन लग गए हैं जो थोड़ा हार्ड होता है रिमूव करने में। तो आज मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ और आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊँगी कि ये कैसे क्लीन होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट गेट स्टार्टेड। तो हम इसके लिए लेंगे एक स्कॉच ब्राइट और कोलगेट। जी हाँ, कोलगेट। तो सबसे पहले हम जो है स्विच ऑफ कर देंगे और इसको अनप्लग कर देंगे। फिर हम लेंगे थोड़ा सा कोलगेट स्कॉच ब्राइट पे, उसको स्प्रेड करके आप इस तरीके से रब करना स्टार्ट कीजिए। और आप देखिए सामने एकदम वीडियो में, जैसे मैं इसको रब कर रही हूँ ये अपने आप क्लीन होता रहेगा। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको और हल्का सा जो मैंने लिया है ग्लास में गुनगुना पानी लिया हुआ है, जब अगर हल्के पानी की ज़रूरत पड़े तो गुनगुना पानी लीजिए और इसको रब करते जाएं। आप देखिए जहाँ जहाँ स्टेन पड़े हुए हैं ये इजीली निकल जाएंगे। इन्वर्टर के साइड में भी आप देखेंगे यहाँ पे होल्स होते हैं, यहाँ पर भी डर्ट इकट्ठी हो जाती है और वो यहाँ से अंदर भी जाती है जो कि हमारी बैटरी के ऊपर जम जाती है, जिससे कि बैटरी की लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है। तो इस एरिया को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए जैसे ये रब हो रहा है सारा क्लीन होता जा रहा है। फिर आप एक साफ सूखे कपड़े से इसको पोंछना स्टार्ट करें और आप थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं तो सारी डर्ट जो है वो ईजिली निकल जाएगी। पूरे इन्वर्टर को इसी तरह अच्छे से पोंछ लीजिए और जब आपका इन्वर्टर क्लीन हो जाए तो दोबारा से प्लग लगा के इसको ऑन कर लीजिए। और आप देख सकते हैं इन्वर्टर कैसा था पहले और कैसा हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।